सर हम बैक टू जैकेटेक सोल्यूशन में हो ज्योति, और आप लोगों बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या है और बेसिकली फ्रूट को कितने तरीके से हमने क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को, पहले मैं अपने टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो जो टाइप्स ऑफ फ्रूट है उसको किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें सिस्टमैटिक, यहाँ पे मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ये सोच के वीडियो बना रही हूँ कि आपको फ्रूट पता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रूट की पता है। बेसिकली मैं प्रिपरेशन के हिसाब से बना रही हूँ वीडियो कि जो लोग गेट किया, जेई किया, एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको शॉर्टकट चाहिए, तो मैं शॉर्टकट की वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं होगा, केवल मैं जो फंडे हैं या शॉर्टकट जो तरीके हैं मैं वो बताऊँगी यहाँ पे। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या होता है उनको मैं क्लासीफाई करके एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ। तो इससे पहले रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, आप मेरे वीडियोज़ को कंप्लीट देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे आपके माइंड में। तो आपका जो टाइप्स ऑफ फ्रूट है, सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक न्यूटोनियन फ्रूट एंड नॉन न्यूटोनियन, सेकेंड वन नॉन न्यूटोनियन। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि न्यूटोनियन फ्रूट को किस तरीके से नॉन न्यूटोनियन फ्रूट को किस तरीके से आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। न्यूटोनियन फ्रूट आपका सिंगल रहता है, नॉन न्यूटोनियन को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो जो मेरा फर्स्ट है वो है टाइम डिपेंडेंट और दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट। जो फर्स्ट हमारा टाइम डिपेंडेंट और जो सेकेंड है टाइम इंडिपेंडेंट। अब टाइम डिपेंडेंट में और टाइम इंडिपेंडेंट में क्या क्या चीज आती है ये मैं अभी बता रही हूं। तो आपका जो टाइम डिपेंडेंट है इसमें सबसे पहले आपका आता है थिक्सोट्रॉपिक, थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। सेकेंड जो आता है आपका वो है रियोपेक्टिक, रियोपेक्टिक, ये आपका टाइम डिपेंडेंट में आता है। टाइम इंडिपेंडेंट में क्या आता है, इसमें सबसे पहले आपका आता है डाइलेटेंट या सीयर थिकनिंग, डाइलेटेंट, इसको बैक में बोल सकते हैं शीयर थिकनिंग, दूसरा जो आपका आता है इसमें इविंगम प्लास्टिक, इविंगम, ये थोड़े से सब थोड़े से वर्ड जो है न्यू लग रहे होंगे, एंड थर्ड आता है आपका टाइम इंडिपेंडेंट में ये आता है स्यूडो प्लास्टिक या शीयर थिकनिंग। स्यूडो प्लास्टिक या इसको हम बोलते हैं शीयर थिनिंग, अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो नॉन न्यूटोनियन फ्रूट्स होते हैं इसमें क्या होता है। तो जो नॉन न्यूटोनियन फ्रूट होते हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नॉन न्यूटोनियन फ्रूट जो होते हैं वो लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जो नॉन न्यूटोनियन फ्रूट डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ विस्कोसिटी या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो रिलेशन होता है हमारा जो शीयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में, वो रिलेशन क्या होता है वो मैं यहां पर लिख रही हूं, टॉ इज इक्वल टू ए डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई ब्रैकेट क्लोज पावर एन प्लस बी, ठीक है। ए और बी जो हमारे हैं ये एक तरीके के कांस्टेंट हैं जो डिपेंड करते हैं फ्लूड किस टाइप का है और कंडीशन ऑफ फ्लो क्या है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, जो ए और बी है ये हमारे कांस्टेंट हैं, ये डिपेंड करते हैं कि हमारा किस टाइप का फ्लूड है और क्या फ्लो की कंडीशन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जो चीज़ें हमने बताई थी कि टाइम इंडिपेंडेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमारा जो
फर्स्ट है डाइलैटेंट, यानी शेयर थिकनिंग जो हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे क्या वैल्यू होगी एन की और क्या वैल्यू होगी बी की, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल होंगे, तो जो हमारा डाइलेटेंट फ्लूड है इसके लिए हमारी जो वैल्यू ऑफ एन होगी, जो यहाँ पे ये एन यूज है, ठीक है, ये क्या होगा डाइलेटेंट फ्लूड के लिए, एन जो होगा वो हमारा ग्रेटर देन वन होगा और बी क्या होगा आपका जीरो होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका बटर और क्विकसैंड। नेक्स्ट हमारा आता है विंगम, जो सेकेंड था हमारा विंगम फ्रूट। हमारा जो विंगम फ्रूट है इसके वैल्यू, इसके लिए जो हमारी एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू वन होगा एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा सीवेज स्लज होता है, टूथपेस्ट भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, और ड्रिलिंग मड भी हो सकता है। इसमें आप देख रहे हो जिसकी थिकनेस ज्यादा से ज्यादा हो, कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, वो आपका विंगम फ्रूट के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्यूडोक्रोस्टिक, यानी जो हमारी शेयर थिनिंग के लिए, तो जो हमारा स्यूडोक्रोस्टिक होता है शेयर थिनिंग, इसमें वैल्यू क्या होती है, तो जो एन होती है वो हमारी लेस देन वन होती है और जो वैल्यू ऑफ बी होती है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे इक्वल टू जीरो, ठीक है। इन चीजों पे ध्यान देना है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे इसके, तो एग्जाम्पल इसका होगा जो हमारा पेपर पल्प है या रबर सॉल्यूशन है, लिपस्टिक पेंट, लिपस्टिक्स हैं, पेंट है, ब्लड है, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल होंगे स्यूडोप्लास्टिक के। तो ये जो तीन मैंने अभी तक आपको बताए हैं डायलेटेंट, विंगम एंड स्यूडोप्लास्टिक, ये सारे हमारे टाइम इंडिपेंडेंट थे। अब जो दो बचे हुए हमारे थिक्सोट्रॉपिक एंड रियोप्रैक्टिक, ये हमारे टाइम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो क्या क्या इनकी वैल्यू होती है और क्या वैल्यू ऑफ एन होती है लेस देन ग्रेटर देन एव इज इक्वल टू जीरो क्या होता है वो अब बताएंगे हम। इसके लिए आपकी क्या वैल्यू होती है थिक्सोट्रॉपिक में, एन इज लेस देन वन एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, प्रिंटर इंक होती है, एनएमएल्स होते हैं। जो हमारा टाइम डिपेंडेंट का लास्ट बचा हुआ रियोप्रैक्टिक, तो रियोप्रैक्टिक में क्या होती है आपकी जो वैल्यू ऑफ एन है इज ग्रेटर देन वन एंड बी इज इक्वल टू, सॉरी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक चीज आपने देखी होगी जो हमारे ये टाइम डिपेंडेंट वाले हैं, ठीक, टाइम डिपेंडेंट वाले, इन दोनों में वैल्यू ऑफ बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जिप्सम सोल्यूशन होगा, हाँ, जो वाटर का वेंटोनेल, वेंटोनेल में सोल्यूशन बनता है, जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर एंड वेंटोनेट सोल्यूशन। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ ड्रा करेंगे जो हमारे वैल्यू ऑफ टाउ को, यानी शेयर स्ट्रेस को शो करता है, और डी यू अपॉन डी वाई को शो करेगा, ठीक है। मैं मैनुअली बना रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा मे भी लाइन इधर उधर हो जाए तो मैं बता दूंगी कहाँ पे स्ट्रेट लाइन रखनी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक, ये वैल्यू हम रखेंगे इनिशियल स्ट्रेस। तो मैंने जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ली है ये हमारी इनिशियल स्ट्रेस है, इसको टाउ नॉट से हम नोट करेंगे, और ये वाली वैल्यू हमारी शेयर स्ट्रेस की है, ये डी यू अपॉन डी वाई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जो ये हमारा है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये हमारी आइडियल फ्लूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक, ये आइडियल फ्लूड हो गया। ये वाली जो लाइन है हमारी, ये डाइलेटेंट, ठीक है। इस
इसके बाद जो हमारा ये बीच वाला है पोर्शन, ये वाली लाइन, ये हमारी न्यूटोनियन फ्लूइड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक, न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो ऊपर ये है, ये वाला पोर्शन जो है, ये हमारे स्यूडोप्लास्टिक, अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से नया डायग्राम इसी में बनाएंगे, इस तरीके की लाइन लेंगे और सेम इसी तरीके से कर्व हम ड्रॉ करेंगे इस पर। थोड़ा सा मेरा तिरछा हो गया है, तो जो अब हमारा ये वाला कर्व होता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सेंटर वाला, ये हमारा आइडियल प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये वाला कर्व हमारा क्या हो जाएगा, रियोपेक्टिक, एंड ये वाला जो सबसे टॉप वाला है, ये थिक्सोट्रॉपिक। तो गाइस ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया, मैंने चार्ट यहाँ पे बना के दिखा दिया, जो भी हमारा डायग्राम था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।